मिस्टर खान, आप एक बार उनसे मिल क्यों नहीं आते? या एक बार अयान को ही फोन कर लीजिए, उससे पूछ लीजिए कि आपके अब्बू की। मेरे अब्बू नहीं, मुझे सिर्फ अम्मी की फिक्र है। अम्मी, आपके यूं बैठने से कुछ नहीं होने वाला। अब जब से आई आपने कुछ खाया नहीं, कुछ पिया नहीं। ये लीजिए, जो है आपके लिए चाय, ले चाय पीजिए और थोड़ी देर आराम कीजिए। असद, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप ठीक नहीं है अम्मी। अम्मी, उनके पास बहुत लोग हैं उनका ख्याल रखने के लिए। बीवी उनके साथ। खुदा के लिए, ये वक्त नफरत का नहीं है असद। हेलो। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, मैं अयान बोल रहा हूँ। वालेकुम सलाम जी। अब्बू अभी ठीक हैं और वो आज शाम को ही हम उन्हें डिस्चार्ज लेके घर ले जाएंगे। वो दरअसल उन्हें एक माइनर सा अटैक आया था और डॉक्टर साहब। अम्मी, किससे बात कर रहे हैं आप? दिलशाद से? उनके लिए जासूसी कर रहे हैं? उनके लिए जासूसी करने की जरूरत नहीं है। जोया आपकी जिंदगी में आई, आपका एक्सीडेंट हो गया। दिलशाद थी वहां, तो आपके अब्बू की ये हालत है। अल्लाह जाने वो लोग हमें चैन से जीने क्यों नहीं देना चाहते। जरा सी खुशी आती हमारी जिंदगी में तो चले ही आते हैं नजर लगाने। निखत, देखो अल्हम्दुलिल्लाह अबू पहले से काफी ठीक है, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। कैसे ना करूं भाईजान, आप तो मुझे कुछ बताने वाले नहीं थे ना। वो तो मैं अब्बू का फोन ट्राई कर रही थी, वो मेरा फोन नहीं उठा रहे थे, तो मैंने नुजत को फोन किया और उसने मुझे सब कुछ बताया। निखत, मैं बताता तुम्हें, लेकिन अच्छा सुनो मेरी बात। मैं कुछ नहीं सुन रही भाईजान, बस मैं बस अब घर आ रही हूँ। निखत, क्या हो गया? क्या बोल रही है निखत? ला मुझे फोन दो, मैं बात करता हूँ। निखत, अब्बू आप कैसे हैं? आपकी तबीयत कैसी है? अब्बू बस मैं अभी घर आ रही हूँ और कुछ दिन आप ही के साथ रहूंगी। अरे नहीं बेटा, और वैसे भी तुम्हें कल पचमढ़ी निकलना है। लेकिन अब्बा, थोड़ी सी तबीयत खराब हुई थी, लेकिन अब ठीक हूँ मैं बिल्कुल। और देखो बेटा, अगर तुम कल नहीं जाओगी ना, तो फिर मैं परेशान रहूंगा। ऐसी हालत में तुम अपने अब्बू को परेशान करोगी क्या? नहीं अब्बू। चलो फिर अपने अब्बू को एक बार मुस्कुरा के दिखाओ। अब्बू, एक काम करना, अपने अब्बू से ना 25 लाख रुपए ले आना। अब्बू। हाँ बेटा बोलो। वो मुझे एक बात कहनी थी। हाँ बेटा बोलो। अब्बू मुझे ना कुछ पैसों की जरूरत है। नुजत, नुजत कॉफी लाने में इतना टाइम क्यों लग रहा है? प्लीज जल्दी लेके आइए कॉफी। नुजत,
थैंक यू। भाईजान क्या हुआ? बाजी कॉफी लेके तो आई है। अपनी बाजी से कह लो कि वो ये कॉफी यहां से ले जाए, मेरा पीने का दिल नहीं। और वैसे भी इनके हाथ की बनी हुई कॉफी इन्हीं की तरह कड़वी होगी, और तुम जानती हो कि मुझे कड़वी कॉफी पीने का कोई शौक नहीं है। प्लीज ऐसे मत बोलिए ना, मैं जानती हूँ पिछले कुछ दिनों में मैं बहुत कड़वी हुई थी और गुस्से में आके मैंने बहुत कड़वी बातें बोली थी। प्लीज प्लीज हुमैरा, मुझे इसके बारे में कोई बात ही नहीं करनी। प्लीज आप जाइए। अयान प्लीज मुझे माफ कर दीजिए ना, आई एम सो सॉरी। भाईजान नुसरत इनको अरे हुमैरा, अरे ये क्या कर रही है? समझाइए अपनी बाजी को, उठिए प्लीज, ऐसे मत करिए। हाथ पैर जोड़ने की कोई जरूरत नहीं है आपको, और वैसे भी आपको जो कुछ भी करना था, जो कुछ भी कहना था, वो आप कर चुकी हैं। अब ऐसे हाथ पैर जोड़ने से कोई फायदा नहीं होगा। एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, अगर मैं आपकी जगह होता ना तो मैं वो सारी चीजें नहीं करता जो आपने की, ठीक है? नुसरत अपने भाईजान से ना कह दीजिए मैंने गुस्से में बोली थी कड़वी बातें, लेकिन आपकी भाईजान का दिल ही कड़वा है। एक लड़की प्यार से माफी मांग रही है और ये जनाब है कि अकड़े हुए है। मैं आपकी सारी हरकतें बर्दाश्त करती हूँ और उल्टा मुझे सुना रहे हो? अगर इतनी ही परेशानी है तो फिर क्यों आती हैं आप मेरे पास? देखिए मैं ये सोच के आई थी कि मैं लड़ाई खत्म करूंगी, लेकिन मुझे क्या पता आप लड़ाई की नई नई वजह लेके यहाँ पे खड़े हो। देखिए लड़ाई के लिए ना वजह की जरूरत ना सेंसिबल लोगों को होती है, आप तो खामखा लड़ती रहती हैं सबसे। या अल्लाह मेरी गलती है मैं यहाँ पे आई। हाँ तो फिर एक काम करिए, अपनी गलती सुधारिए और चलते बनिए यहाँ से। ठीक है मैं जा रही हूँ। प्लीज जाइए। मैं जा रही हूँ। हाँ प्लीज जाइए, आपको वैसे भी रोका नहीं है किसी ने। प्लीज जाइए। प्लीज बाय भाईजान। नुसरत प्लीज। इतनी जल्दी इतना सब कुछ हो गया, अब ये भी जो है वापस मेरे साथ आई। और घर का माहौल कैसा? घर का माहौल बिल्कुल ठीक है भाईजान, आप फिक्र मत करिए। वो तो अच्छा है कि आपने घर पे सनी देओल की तरह एंट्री मारी और अपने अमीषा पटेल को उठा के लेके गए सबके सामने से। अल्लाह का शुक्र है हमारे घर के आंगन में वो हैंडपंप नहीं था, वरना वो भी उठा के ले जाते। अनसीरियस भाईजान, मजाक भी कर रहे। ओके ऑन अ सीरियस नोट, भाईजान जब सोच बहुत गहरी हो जाती है ना तो इरादे बहुत ही कमजोर से हो जाते हैं, और आपने अच्छा किया जो अपने दिल की सुनी। तूफान के बाद सब कुछ खामोश हो जाता है, और अल्हम्दुलिल्लाह अब्बू एकदम ठीक हैं, पहले से बेहतर। मैंने उनके बारे में कुछ नहीं पूछा। जानता हूं, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगा मुझे आपको बताना चाहिए। तुम मेरी बात सुनो, ये सब बातें छोड़ो, मैंने एक बहुत जरूरी काम के लिए तुम्हें फोन किया था। जी बताइए। कल मिस फारूकी का बर्थडे। What? कल मोना का बर्थडे? अरे भाईजान मोना का बर्थडे और रॉबर्ट ना मना, ऐसा हो ही नहीं सकता। हाँ और मैंने बहुत सारी चीजें प्लान की है, और वो प्लान ये है। हाँ बताइए। एक सेकंड। अरे भाईजान सब कुछ ही होना चाहिए। हाँ ठीक है। Basically, just make sure कि ये सब कुछ हो जाए, please, okay? Done, done. ये मोना की जिंदगी का सबसे यादगार बर्थडे होगा, और इस बर्थडे में होगी अयान अहमद खान की स्पेशल परफॉर्मेंस। लेकिन लेकिन ये स्पेशल परफॉर्मेंस तब तक स्पेशल नहीं होगी जब तक हुमैरा मेरे साथ ना हो, और हुमैरा को तो मैंने थोड़ी देर पहले इतना नाराज कर दिया यार, अब क्या करूं? अल्लाह ये लेवल नहीं क्रॉस होगा। सो ही जाते
अल्लाह मियां, what's wrong with me? No! ऐसा मेरे साथ जिंदगी में कभी नहीं हुआ। इनफैक्ट ऐसा तो किसी के साथ भी नहीं हुआ होगा। अरे कोई अपना बर्थडे कैसे भूल सकता है? बस 5 मिनट में मेरा बर्थडे स्टार्ट होने वाला है। मिस्टर खान को याद होगा? क्यों नहीं याद होगा? अभी आएंगे मुझे विश करने। मिस्टर खान किसी भी टाइम आ जाएंगे मुझे विश करने के लिए। नॉट बैड, राइट ऑन टाइम। यस, मिस फारूकी, मैं आपसे ये कहने आया हूं कि प्लीज मेरे बारे में सोचना बंद कीजिए, क्योंकि हम अब हम साथ में, मतलब अम्मी कहती थी अगर आपके बारे में कोई सोच रहा हो तो आपको हेकअप आते रहते हैं, तो आप प्लीज, कैन यू प्लीज स्टॉप इट नाउ। तो आप मेरे रूम में इस वक्त ये देखने आए हैं कि मैं आपको याद कर रही हूँ या नहीं? जी, तो मैं रात में 12 बजे आपके रूम में क्यों आऊंगा? एक्चुअली मुझे लगा कि... क्या लगा आपको? कुछ नहीं लगा जी, तो बस आप पानी है क्या? जाके किचन से ले लेंगे जी। आ गए नानी माँ की कहानियां सुनाने। हिकअप्स आए तो उसका मतलब कोई याद करता है। Not bad. मिस्टर खान कितने क्यूट वाले धोखेबाज हैं, हाँ? मतलब मेरा बर्थडे याद है? I'm sure केक और कैंडल्स के साथ तैयार हैं। ओके। मिस फारूकी, आप तो कुछ भी ठीक कर सकती हैं। ये टॉर्च देखिए बार बार ऑन ऑफ हो रही है। मिस्टर खान, आप इतनी रात को मुझसे ये टॉर्च ठीक करवाने आए हैं? मिस फारूकी, टॉर्च की जरूरत रात में पड़ती है ना। मिस्टर खान, अगर आप आज रात इस टॉर्च के बिना मैनेज कर सकते हैं तो मैं इसे कल सुबह ठीक कर दूं, इफ यू डोंट माइंड। दैट शुडन्ट बी अ प्रॉब्लम। देखिए जरा। शुक्रिया। गुड नाइट। मिस फारूकी, हाँ? आप गुस्से में हैं क्या? मैं? आपको ऐसा लग रहा है? नहीं तो? I'm okay. Okay. Good night. या अल्लाह, कोई इतना केयरलेस कैसे हो सकता है? टॉर्च। Thank you.
बॉल बनाकर क्यों मार रहे हो? क्योंकि मुझे बैट बनाना नहीं आता टफर। भाईजान, ये रात को भी आपकी ये फ्लॉप वन लाइनर्स बोलना बंद करेंगे प्लीज। अब मुझे सोना है, मुझे नींद आ रही है। भाईजान, और वैसे भी मुझे पढ़ाई करनी है और हमें ऐसा लगता है कि ये काम सिर्फ और सिर्फ हुमैरा बाजी ही कर सकती है, उनके अलावा ये काम कोई भी नहीं कर सकता। तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारी हुमैरा बाजी मेरे लिए कुछ करेंगी? अरे उन्होंने तो जैसे कसम खा ली है कि मुझ पे बस जिंदगी भर जुल्म करती रहेंगी जुल्म। तब तो भाईजान ये मिशन इम्पॉसिबल है, नहीं हो सकता ये। नहीं 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 नुसरत, नहीं ऐसे मत कहो। मुझे लगता है मुझे असद भाईजान को जाके बता देना होगा कि उन्होंने जो उम्मीदें मुझ पे धर रखी थी मैं वो पूरी नहीं कर पाऊंगा। वो उम्मीदें सारी की सारी टूट चुकी हैं। आज तक मैं उनका छोटा सा भाई था, लेकिन आज के बाद मैं बहुत बहुत छोटा भाई बन जाऊंगा। अयान अहमद खान भोपाल का स्टार एंटरटेनर, उसकी सारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। अब तुम ही मुझे बताओ, अगर मेरे पास परफॉर्म करने के लिए कोई पार्टनर नहीं होगा तो मैं क्या करूंगा? नहीं मैं जा रहा हूं। रुकिए, मैं करूंगी। जी कुछ कहा आपने? वो मैं करूंगी। मेरे लिए? जी नहीं, आपके लिए नहीं, असद भाईजान और नुसरत के लिए। वरना आप नुसरत की पढ़ाई छुड़वा कर अपने साथ बिजी करेंगे। जिंगो हॉटीज का वादा। जिंगो हॉटीज प्रॉमिस। लेकिन हम क्या और क्यों कर रहे हैं? जोया का बर्थडे है इसीलिए। मिनट ऐसे हाथ वाथ छुड़ाने की जरूरत नहीं है। जोया यहाँ से भाईजान के पास वापस जा चुकी हैं। वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं। बस हमें उनकी खुशियों को बढ़ाना है और कुछ कुछ ऐसा करना है जिससे पूरे फंक्शन में एक एक एक, एक रौनक सी आ जाए प्लीज। और देखो वैसे भी तुम वादा कर चुकी हो, अब तुम अपने अल्फाजों को पीछे नहीं ले सकते। वादा। वादा, मैं आपका साथ दूंगी। राशिद, आप ठीक तो है ना? हाँ मैं ठीक हूँ दिलशाद। तो फिर इतनी रात को फोन कैसे किया? मुझे तुमसे बात करनी है दिलशाद। मैं जानता हूँ कि बात हम कल सुबह भी कर सकते थे, लेकिन दिलशाद आज जो हुआ है उसके बाद मुझे पता चला है कि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। दिलशाद हम जिंदगी भर सही वक्त का इंतजार करते हैं, जब सही वक्त आता है तो कब वक्त वो भी वक्त पर नहीं आता। आप बोलना क्या चाह रहे हैं राशिद? मैं समझ नहीं पा रही हूं।
दिलशाद मैं पिछले 15 सालों से दिल पर एक बोझ रखकर जीते आया हूं, लेकिन बस बस अब और नहीं, क्योंकि मुझे पता चल गया कि जिंदगी बहुत छोटी है। इसलिए दिलशाद मैं अपनी बाकी की जिंदगी तुम्हारे साथ गुजारना चाहता हूं।